बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रीट मामले में 39वीं गिरफ्तारी हुई है। एसओजी ने ग्राम सेवक नरेंद्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी नरेंद्र पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज है। आरोपी ने भीनमाल में परीक्षा से पहले पेपर उपलब्ध कराए थे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अपने परिजनों के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध उसने करवाए थे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 39वीं गिरफ्तारी है। एसओजी ने ग्राम सेवक नरेंद्र को गिरफ्तार किया। आरोपी नरेंद्र पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, 39वीं गिरफ्तारी, एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। क्या कुछ नरेंद्र को लेकर जानकारियां मिली थी, किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, पूरे प्रकरण के अंदर एक तरफ राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया, दूसरी तरफ एसओजी की जो जांच है वो लगातार जारी है। पूरे प्रकरण में आज 39वीं गिरफ्तारी एसओजी की अनुसंधान टीम करने वाली टीम की तरफ से की गई है। हाँ। ये नरेंद्र नाम का व्यक्ति है जो कि ग्राम सेवक है पंचायत समिति भीमवाल से, इसको गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इसके खिलाफ कुछ पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं, लेकिन जहां तक रीट की बात करते हैं तो ना सिर्फ अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए बल्कि साथ साथ ऐसी बहुत सी बड़ी एक सूची प्राप्त हुई है एसओजी को, जिन लोगों को इसकी तरफ से पेपर था वो उपलब्ध कराया गया था। तो उन तमाम अभ्यर्थियों की जानकारी भी इससे ली जा रही है कि किन किन लोगों को इसकी तरफ से पेपर उपलब्ध कराया गया था, कितनी राशि में इसकी तरफ से पेपर को बेचा गया और इस व्यक्ति को पेपर कहां से प्राप्त हुआ, इन तमाम तथ्यों को लेकर एसओजी अपनी जांच करे। फिलहाल ये अपने आप में 39वीं गिरफ्तारी और इस समय सबसे ज्यादा एसओजी जो फोकस कर रही है पूरे प्रकरण में वो वाली लाइन है जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पास पेपर पहुंचा। सबसे पहले ये जानने की कोशिश की गई थी किन व्यक्तियों द्वारा पेपर पहुंचाया गया और अब बड़ी सूची तैयार की जा रही है कि किन किन अभ्यर्थियों तक ये पेपर पहुंचा था ताकि उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके और मूल कड़ी तक पहुंचा जा सके कि इसके अंदर और कौन कौन से रैकेट जुड़े हुए हैं। आशुतोष, तो क्या माना जाए कि ये जो 39वीं गिरफ्तारी है ये कारवा आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि जितना बड़ा मामला उतनी बड़ी संख्या में एक के बाद एक जो है आरोपी सामने आ रहे हैं, तो ये जो कार्रवाइयों का सिलसिला है आगे भी बरकरार रहेगी और पूछताछ जिस तरह से हो रही है ये संख्या और भी बढ़ सकती है? ये संख्या बेशक आगे बढ़ेगी क्योंकि बड़ी सूची तैयार की गई है। तकरीबन 100 ऐसे अभ्यर्थियों की सूची एसओजी तकरीबन 15 दिन पहले तैयार कर चुकी थी जिनके पास में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेपर पहुंचा था। इसके अलावा भी क्योंकि जो लोग 100 की सूची तैयार की गई उनसे पूछताछ हो गई है और जिस व्यक्ति ने पेपर खरीदा है तो पहले तो वो अपने आसपास वाले के लिए व्यवस्था करता है, यानी कि उसके किसी परिजन के लिए, करीबी रिश्तेदार के लिए, और फिर उसका वो कैसे उससे पैसा कमा सकता है उसकी उसने तैयारी की है। तो इन तमाम जो एक बड़ी सूची तैयार की गई क्योंकि पहले तो उन लोगों की सूची तैयार की गई जो लोग इस बात में सक्षम थे कि बड़े स्तर पर अगर 5 करोड़ का पेपर बेचा जा रहा है, ये करोड़ों की लागत से पेपर को बेचा जा रहा है, लाखों की लागत से पेपर को बेचा जा रहा है, तो सक्षम लोग थे वो समाज के जो पेपर खरीद सकते थे। फिर उन्होंने डाउन द लाइन अलग अलग लोगों को, अपने करीब रिश्तेदारों को ये पेपर बेचा, उन्होंने भी ये सोचा कि मुनाफा कमाया जाएगा। बड़ी सूची एसओजी की तरफ तैयार की जा रही है और जाहिर है कि इसमें बड़े स्तर पर गिरफ्तारी होगी आने वाले दिनों में। शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए।